उधर इंडियन प्रीमियर लीग के सीओओ सुंदर रमन ने इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया है। रमन बीसीसीआई से ऑफिशियली 5 नवंबर को विदाई लेंगे। आपको बता दें कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच कर रही लोढ़ा कमेटी ने रमन के कामकाज पर सवाल उठाए थे। समझा जा रहा है कि इसी कारण रमन ने इस्तीफा दिया है। तो आईपीएल के सीओओ ने इस्तीफा दिया है और इसे बीसीसीआई ने मंजूर भी कर लिया है। 5 नवंबर को आधिकारिक रूप से विदाई लेंगे रमन। आईपीएल के सीईओ रहे थे रमन, जिन्होंने इस्तीफा दिया है और जिसे बीसीसीआई ने मंजूर भी कर लिया है। तो आईपीएल के सीओओ ने इस्तीफा दिया है और ये 5 नवंबर को आधिकारिक रूप से विदाई लेंगे। हालांकि इस्तीफे को बीसीसीआई ने मंजूर भी कर लिया है। सही है, उन्होंने सुंदरमन ने अपना इस्तीफा जो आईपीएल के सीईओ पद से है वो बोर्ड के प्रेसिडेंट श्री शशांक मनोहर को दे दिया है और श्री शशांक मनोहर ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। और मैं यही कह सकता हूँ कि सुंदरमन का काफी योगदान रहा है आईपीएल में और निश्चित रूप से तो कुछ विवाद की वजह से ये माना जा रहा है कि कुछ आरोप लगे थे रमन पर और उसी विवाद की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। उनका इस्तीफा देने के बाद ही तुरंत बीसीसीआई ने इसे मंजूर भी कर लिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से वो 5 नवंबर को ही विदाई लेंगे। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या। 2013 में आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग का विवाद सामने आने के बाद कामकाज के तरीके पर सवाल उठे। सुंदर रमन ने फिक्सिंग में लिप्त एक बुकी से 8 बार बात की थी। तो रमन आईसीसी की बैठक में भी श्रीनिवासन के साथ जाते रहे हैं और इस पर विरोधियों ने सवाल भी उठाए। 2013 में आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग का विवाद सामने आने के बाद से कई बार एक बुकी से बातचीत की बात कही गई थी। मुद्गल रिपोर्ट में गोरनाथ मैयप्पन राज कुंद्रा के खिलाफ जांच चल रही है और जांच के बावजूद पिछले दिनों बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक में पहुंचे थे। इस पर विवाद हुआ था। रमन आईसीसी की बैठक में श्रीनिवासन के साथ जाते रहे और विरोधियों ने इस पर सवाल भी उठाए थे।